गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग एवरी वन एम आई ऑडिबल सर प्लीज सुन पा रहे हैं आप मुझे आवाज आ रही है प्रॉपर ग्रेट वेरी गुड चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन हमारा मर्न स्ट्रैक डेवलपमेंट में नेक्स्ट पार्ट राइट एक नया मॉड्यूल एक नया प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड दैट इज एजेक्स एज वेल एज कंप्लीट मर्न स्ट्रैक अब इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें एजेक्स के बारे में बातचीत करें सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं क्या क्या प्री रिक्वेट्स हैं इस कोर्स के आपको क्या कुछ आना चाहिए बिफोर यू कैन बिगिन लर्निंग एजेक्स एंड कम्प्लीट मैग तो गौर कीजिएगा आपको नॉलेज होनी चाहिए एच की आपको नॉलेज होनी चाहिए सी की और आपको नॉलेज होनी चाहिए जावा की राइट बेसिक लेवल के नॉलेज की जरूरत है यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल थ्री लेकिन आपको एक्सटीमएल के टैग्स आने चाहिए सी एस एस में क्लास वगैरह सेट करना सी एस एस के अंदर आईडी वगैरह पे रूल सेट्स लगाना ये आना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आनी चाहिए core JavaScript जिसको आपने सुना होगा, Vanilla JS के नाम से भी बुलाया जाता है क्लियर राइट एम आई ऑडिबल सॉल्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना वेरी गुड चलिए तो आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर कोई भी इशू आता है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एडमिन तो को करने से पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप इस कोर्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने साथ लेकिन याद रखिएगा एक्सटर्मल सीएसएस जे एस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी मूविंग फर्दर बात करते हैं इस कोर्स में आप क्या क्या करने वाले क्या क्या की फीचर्स हैं इस कोर्स के तो सबसे पहली चीज जो आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वट इज एजेक्स और एजेक्स का जो मॉडर्न वर्जन है जिसका नाम है फेच एपीआई तो आज हम बात करने वाले हैं एजेक्स है, क्यों इंपॉर्टेंट है और जावा में एजेक्स की क्या अहमियत है क्यों एजेक्स बेस्ड एप्लीकेशन जावा में इतनी ज्यादा पॉपुलर है नंबर टू आज हम बात करेंगे या मे बी आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे एपीआई कॉल्स क्या होता है और जेसन क्या होता है अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा सुना है जावास्क्रिप्ट के पास जेसन नाम का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है लेकिन आज हम कुछ और बातें करेंगे जेसन जेसन के बारे में जो आपको जेसन की एक्चुअल इंपॉर्टेंस बताएंगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं या सीखेंगे आगे वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है क्योंकि गौर करिएगा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का जो आपका पहला स्टेप है वो एजेक्स है और इसी का आपका अगला स्टेप आई थिंक सबको पता है और वो है रियक्ट आपका अगला स्टेप होगा इसी में आगे चलकर के आप रियक्ट पढ़ें

सबसे पहली चीज जैसा मैंने कहा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एजेक्स और फेच एपीआई के बारे में एजेक्स क्या है फेच एपीआई क्या है और कैसे किसी भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देन विल बी डिस्कसिंग जेसन क्या है किस तरह से जेसन डेटा नेटवर्क पे आता है या सर्वर और क्लाइंट आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नए फीचर्स जावा में इंट्रोड्यूस हुए हैं एज मॉडर्न जावा जिनका नाम है प्रोमिस और एसिंक अवेट प्रोमिस गौर करिएगा टॉपिक का नाम है ये वो प्रॉमिस नहीं है जो हम रियल वर्ल्ड में लोगों से करते हैं इट इज अ टॉपिक जो आप जावा सीखने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप पढ़ेंगे वो होगा एपीआई कॉलिंग बहुत सारी एपीआई हम लोग इस कोर्ट के अंदर यूज करेंगे इस कोर्स में यूज करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल वेदर एपीआई से इंटरैक्ट करना फॉर एग्जाम्पल जियो लोकेशन से इंटरक्ट करना फॉर एग्जाम्पल ये पता करना कि इस समय कौन सी मूवी टॉप टेन मूवीज में आ रही है या ये पता करना कि इंडिया में 2023 में कितने हॉलीडेज हैं समझ रहे हैं आप मेरी बात हम क्या क्या करने वाले हैं सर्वर एंड पे जितना भी डेटा है जो एक एप्लीकेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकता है वो सारा डेटा पुल करना हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर सीखेंगे नेक्स्ट हम सीखेंगे बैकहेंड वाला पार्ट लेकिन शुरुआत उसकी सबसे पहले हम करेंगे रियक्ट से जो एज सच तो फ्रंट एंड लाइब्रेरी है लेकिन रियक्ट पढ़ते वक्त पहली बार आप इंटरेक्ट करेंगे नोड से क्योंकि रियक्ट एप्लीकेशन में नोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिर हम बात करेंगे नोड और एक्सप्रेस जेएस के बारे में देन हम बात करेंगे मोंगो डीबी और इन सब के दौरान हम बात करेंगे जे क्वेरी के बारे में भी ये हमारा टोटल सिलेबस है जो यहां से लेकर टिल द एंड ऑफ द कोर्स हम कवर अप करने वाले हैं फाइन अब मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं आपको कि आपको जावा स्ट्रिप्ट में किस किस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी और आई होप मंडे से पहले आप वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा कर लेंगे अगली क्लास हमारी मंडे होगी ट्वेंटी जनवरी मेक श्योर आप तब तक वो चीजें रिवाइज कर लें जावा के जिन टॉपिक्स की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है बेसिक जेएस में फंक्शंस और ऑब्जेक्ट सभी लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है पढ़ा है फंक्शन में भी सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी कॉल बैक्स की डू यू नो वट आर कॉल बैक्स इन जेएस है ना और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि सर मैंने पढ़ा है क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं वो सब मैं क्लियर कर दूंगा बट आपको ये पता होना चाहिए जेएस के अंदर फंक्शन कैसे बनते हैं एरो फंक्शन कैसे बनते हैं डू यू नो हाउ टू वर्क विद एरो एरोक्शन एरो फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा राइट और जेएस के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं इसके अलावा आपको आना चाहिए डॉम के थ्रू अपने वेब पेज के एलिमेंट को डिलीट करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको जरूरत पड़ेगी इवेंट हैंडलिंग की क्योंकि जितनी भी एजेक्स एप्लीकेशन है वो इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन होती है कोई इवेंट होता है जिसके बिहाफ पे एजेक्स अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है ठीक है सो इनफ ऑफ प्री रेक्ट अब हम आते हैं टू द पॉइंट और शुरू करते हैं हमारा पहला डिस्कशन रिगार्डिंग ए जे एक्स बेस्ड एप्लीकेशन शुरुआत होती है लेक्चर की या इस टॉपिक की एज के फुल फॉर्म के साथ एनी द क्लास डू यू हैव एनी आइडिया वॉट डज एज स्टैंड फॉर एजेक्स का फुल फॉर्म एनी आइडिया एनी गेसेस एजेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है वेरी गुड पहला वर्ड ठीक बोला आपने द वर्ड एजेक्स स्टैंड फॉर Asynchronous, JavaScript and XML. ये AJAX का फुल फॉर्म ए सिंक्रोनस जावा टर्म अब पहला डाउट आपके दिमाग में आएगा सर इतना बड़ा जार्गन इतनी बड़ी वोकैबलरी इसमें किसका क्या मतलब है तो सबसे पहले अपन इसको ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में समझते हैं बहुत सिंपल है एजेक्स का मतलब समझना एजेक्स में ये जो जे आ रहा है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना ज समथिंग रिलेटेड टू जावा तो समझ आ रहा होगा राइट right? तो एजेक्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू जावा चलो ठीक है ये समझ में आ गया अब बात आती है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ए अब ये जो ए आया है ये आया है एज ऑपोजिट ऑफ अ प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ठीक है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से ही बना है ए का वर्जन ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग गौर कीजिएगा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आप अगर जावा में कोई कोड लिखते हैं और वो कोड स्टेप बाय स्टेप रन हो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप का मतलब पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चले फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन चले फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन चले अगर ऐसा आप कोड लिखते हैं तो हम मानते हैं आपका कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है आपका कोड एक्जीक्यूट हो रहा है सिंक्रोनस मोड में सो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जेएस कोड इज कॉल्ड एस कोड बिल्कुल सही रूपा लाइन बाय लाइन मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं समझिएगा इमेजिन करिए मैंने जे एस में कहा कंसोल डॉट लॉग अमित आई थिंक एवरी वन नोस ये लाइन क्या कर रही है? है ना इसके नीचे मैंने कहा कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग रवि कंसोल डॉट लॉग सुमित क्या ये तीनों लाइनें आपको अच्छे से समझ में आ रही है व्हाट दे आर डूइंग हां आ रहा है ये तीनों लाइनें कंसोल पे तीन स्ट्रिंग्स प्रिंट करेंगी राइट right. क्या अमित की प्रिंटिंग के बाद ही रवि की प्रिंटिंग स्टार्ट होगी तो आपका जवाब है हां अमित की प्रिंटिंग के बाद ही रवि की प्रिंटिंग स्टार्ट होगी रवि की प्रिंटिंग के बाद ही सुमित प्रिंट होगा हां रवि के प्रिंटिंग हाँ, के बाद ही सुमित प्रिंट होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं इनका एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ लाइन बाय लाइन हुआ इस तरीके की प्रोग्रामिंग को बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ आया सिंक्रोनस शब्द का मतलब वेरी गुड अब जावा में प्रोग्रामिंग का एक और स्टाइल अवेलेबल है और यह एक और स्टाइल कहता है आप कई कोड्स ए सिंकोनस वे में भी लिख सकते हैं जैसे मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं क्या रवि का सुमित से कोई रिलेशन कोई कनेक्शन है प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से <coughs> तो आपका जवाब होगा सर नहीं है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि पहले रवि प्रिंट हो बाद में ही सुमित प्रिंट हो कोई जरूरी नहीं है ना कोई जरूरी नहीं है तो आप इमेजिन करिए इमेजिन करिए क्या रवि की प्रिंटिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है कंसोल डॉट लॉक को दिमाग में मत लाइएगा अगर आप कंसोल डॉट लॉक को सोचेंगे तो आपको लगेगा क्यों टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है कंसोल डॉट लॉक तो तुरंत अपना काम करेगा मैं मान रहा हूं यहाँ कंसोल डॉट लॉग रवि ना होकर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कुछ टाइम लग रहा है कोई एक्टिविटी है जिसमें कुछ टाइम लग रहा है ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल हाँ, है मैं आपको लिख के दिखाता हूं ऐसा कैसे पॉसिबल है ठीक है ध्यान से सुनिएगा अगर मैं इसी पीस ऑफ कोड को थोड़ा सा बदलू अगर आप लोगों ने जे पढ़ी है तो आपने जेएस में सेट टाइम आउट पढ़ा होगा पढ़ा है ना सेट टाइम आउट पढ़ा है ना इमेजिन करिए मैं रवि की प्रिंटिंग सेट टाइम आउट के थ्रू करवाता हूँ रवि की प्रिंटिंग सेट टाइम आउट के थ्रू करवाता हूं तो मैं यहां लिखता हूँ आई होप सबको याद होगा इस कॉल बैक के थ्रू इमेजिन करिए मैं रवि को प्रिंट करा रहा हूं करा सकता हूँ हाँ करा सकता हूं तो मैंने यहां कहा कंसोल डॉट लॉग रवि ठीक है ये हमारा कॉल बैक फिनिश हुआ करेक्ट और यहां मैंने पॉमा लगाकर लिख दिया फाइव थाउजेंड और यहां लगा दिया मैंने सेमीपोल इतना क्लियर है क्लियर है अब आप मुझे बताइए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर टू है क्या उसके चलने में समय लगेगा पांच सेकेंड का समय लगेगा वेरी गुड क्या आप चाहेंगे जावा स्टेप यहां पर रुक जाए पांच सेकंड तक वेट करे पांच सेकंड के बाद रवि और फिर सुमित प्रिंट करे शायद नहीं शायद नहीं क्यों नहीं चाहेंगे क्योंकि सुमित का कोई भी कनेक्शन है रवि की प्रिंटिंग के साथ नहीं है ना तो आप ये चाहेंगे ना कि ये जो सेट टाइम आउट वाला कोड है वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो से हट जाए अलग हो जाए सेपरेट हो जाए और हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो लाइन नंबर वन के बाद किसको चला दे लाइन नंबर वन के बाद लाइन नंबर थ्री को चला दे इसका मतलब वो जो सुमित वाला एग्जीक्यूशन है वो बैकग्राउंड में होता रहेगा सॉरी रवि वाला जो एग्जीक्यूशन है वो बैकग्राउंड में होता रहेगा ये yes. अगर रवि का प्रिंट होने वाला एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड में हो रहा है फोरग्राउंड एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, तो हम बोलते हैं ये कौन सी प्रोग्रामिंग कर ली आपने जेएस में ये आपने जेएस में कर ली ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यानी अगर आप अपने जावा कोड में को, कोड ऐसा लिख रहे हैं जिस कोड का एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूमिंग है और आगे वाले कोड का इससे कोई रिलेशन नहीं है तो क्या ये कोड आगे वाले कोड को स्टॉप या ब्लॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए आगे वाला कोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए आगे वाला कोड रन होता रहे बैकग्राउंड में ये कोड पैरेलली रन हो जाना चाहिए जब भी इसका टाइम आए अगर ये प्रोग्रामिंग मॉडल आप फॉलो करते हो तो आप यूज करते हो जावा के अंदर ए प्रोग्रामिंग आया समझ एसिंक्रोनस वर्ड का मतलब समझ आया है ना अब आपको लगेगा सर ये रियल वर्ल्ड में कहा यूज होता है रवि वाला एग्जाम्पल तो इतना सूटेबल नहीं है मैं रवि को प्रिंट कराने में पांच सेकंड क्यों लूंगा बिल्कुल ठीक है रवि को प्रिंट कराने में आप पांच सेकंड नहीं लेंगे लेकिन इमेजिन करिए यहां रवि ना प्रिंट होकर सर्वर से कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो क्या उस कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा बोलिए बोलिए सर्वर जब डेटा सेंड करेगा क्या यह टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सर्वर के रिस्पॉन्स आने में समय लग जाए अगर सर्वर के रिस्पॉन्स आने में समय लग रहा है और आगे वाला टास्क सर्वर के रेस्पॉन्स से रिलेटेड नहीं है तो आगे वाले टास्क को चलना चाहिए हाँ आगे वाले टास्क को चलना चाहिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जब आप यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं जब आप यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो बीच में एक बटन आता है शो मोर कमेंट आता है जब आप शो मोर कमेंट पे क्लिक करते हैं तो कमेंट सर्वर से पुल होते हैं हा कमेंट सर्वर से पुल होते हैं जितना टाइम कमेंट को सर्वर से पुल होने में लग रहा है क्या उतने टाइम तक यूट्यूब फ्रीज हो जाता है आपको कुछ नहीं करने देता नहीं नहीं होता फ्रीज यूट्यूब पे आप कई सारी एक्टिविटीज पैरल कर पाते हैं क्योंकि यूट्यूब कौन सा प्रोग्रामिंग मॉडल फॉलो कर रहा है यूट्यूब फॉलो कर रहा है ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूट्यूब को नहीं लगता कि कमेंट्स का आना और आपका गाने सुनना वीडियो देखना या प्लेलिस्ट के सजेशंस को पढ़ना उनका आपस में कोई लिंक है कमेंट अलग है प्ले लिस्ट के गानों का सजेशन आना अलग एक्टिविटी है क्या ये एक साथ हो सकती है बिना डिस्टर्ब करे हाँ हो सकती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ आया इट हर कोडिंग सिंक्रोनस मोड में अगर आप करेंगे तो आपकी साइट बीच बीच में पॉज हो जाएगी बीच बीच में हैंग हो जाएगी और यूजर का जो एक्सपीरियंस है यूजर का जो साइट से इंट्रैक्शन है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा यस और नो यूजर का साइड से इंटरेक्शन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा हर कभी साइड हैंग होने लगेगी हर कभी साइड रुक जाएगी सर्वर के रिस्पॉन्स के इंतजार में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना अगर आपको ऐसा लगता है सर अगर ये डेटा सर्वर के डेटा से रिलेटेड है तो रुकने का सेंस है लेकिन अगर ये काम ये एक्टिविटी सर्वर के रिस्पॉन्स से रिलेटेड नहीं है किसी लॉन्ग रनिंग टास्क से रिलेटेड नहीं है तो ये तुरंत होनी चाहिए यस और नो होनी चाहिए और इसके लिए आप यूज करोगे स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंकोनस प्रोग्रामिंग तो क्या मैं बोल सकता हूं लॉन्ग रनिंग टास्क को बैकग्राउंड में चलाना लॉन्ग रनिंग टास्क को बैकग्राउंड में चलानाइट राइट right? right. अब मैंने आपको पहले भी इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया था आज फिर दे रहा हूं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस किसी टिकट काउंटर के आगे लगी हुई लाइन जब तक पहले बंदे को टिकट नहीं दिया जाएगा दूसरा बंदा टिकट ले पाएगा नहीं ले पाएगा तो वहां सिंकुनस मॉडल काम आएगा एक बंदा टिकट लेकर हटा दूसरा आया टिकट लेकर हटा तीसरा आया दिस इज सिंकुनस लेकिन किसी रेस्टोरों के बाहर अगर आप सिंकुनस वे में लाइन लगाएंगे तो डज इट मेक एनी सेंस कि अगर एक फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रही है कुछ खा रही है तो दूसरी फैमिली को वेट कराया जाए नहीं दूसरी फैमिली को भी पैरल रेस्टोर में सर्व होना चाहिए इतने में मान लीजिए जोमैटो का कोई डिलीवरी बॉय आया किसी ने ऑर्डर करा और जोमैटो का डिलीवरी बॉय उस रेस्टोरेंट से कुछ लेने आया है क्या कोई सेंस बनता है कि उस डिलीवरी बॉय को बोला जाए नहीं तुम वेट करो अंदर क्योंकि रेस्टोर पैक है पैक है तो आप जो रेस्टोरों में बैठ रहे हैं उनको वेट करा सकते हैं लेकिन जोमेटो के डिलीवरी बॉय को तो आप कर सकते हैं ना प्रोडक्ट डिलीवर या दैट इज एसिंकोनस मोड ऑफ प्रोग्रामिंग आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ राइट राइट सो दिस इज ए संकोनस

समझ आ रहा है अगर आप जावा के स्टूडेंट हैं अगर आप पाइथन के स्टूडेंट हैं तो आपने मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक के बारे में सुना होगा जावा स्क्रिप्ट में मल्टी थ्रेडिंग नाम का कोई टॉपिक नहीं होता जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है सिंगल थ्रेडेड मतलब सिंगल एग्जीक्यूशन पॉइंट जावा में चलता है सिंगल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता है तो फिर तो ये और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि अगर जावा सिंगल थ्रेडेड है तो वो ए मोड में काम कैसे कर पाती है यही हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लियर चलूं आगे यहां तक समझ आ गया तो ए सिंकोनसिट वर्ड क्लियर हुआ ठीक है अब सवाल आता है इस ए सिंकोनस जावास्ट्रिप्ट की हम लोगों को जरूरत कहां पड़ने वाली है इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बताऊंक्स की या ए की आपको जरूरत कहां पड़ने वाली है पहले हम ये समझ ले परसेंट स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जैसे एच ट्रम सी एस एस जावास्ट्रेट अपने आप में टेक्नोलॉजीज है ऐसे एजेक्स भी अपने आप में एक नई लैंग्वेज है गौर कीजिएगा एजेक्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है एजेक्सिप की मदद से सर्वर से कम्युनिकेट करना रिक्वायर्ड डेटा मोड में पुल करना यह आपको सिखाता है। और Ajax को सबसे पहले इंट्रोड्यूस गूगल ने, तो ने करा था 2007 में गूगल को यह आइडिया आया कि कुछ काम तो ऐसे भी करे जा सकते हैं ना जो सिंक्रोनस मोड में ना करे जाएस मोड में करे जाए और एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाने में हेल्प करें अब बात आती है एजेक्स की जरूरत क्या है तो ये बताइए जब भी आप एच में कोई वेब पेज बनाते हैं आपके वेब पेज को सर्वर को डेटा सेंड या सर्वर से डेटा लेने की जरूरत पड़ती है तो आप बोलोगे हाँ पड़ती है अभी तक जितनी अपन ने एच पढ़ी है सर्वर को डेटा सेंड करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है ना और वो तरीका है, या तो हम फॉर्म टैग यूज करें और या फिर हम एंकर टैग यूज करें अगर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है एम आई राइट अगर सर्वर को कोई डेटा सेंड करना है तो एक ही तरीके से करा जाता है फॉर्म टैग यूज करो फॉर्म टैग में एक्शन लगाओ मेथड लगाओ सबमिट बटन दो और फिर डेटा सर्वर तक जाता है 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 ना JavaScript सर्वर से बात नहीं कर सकती राइट जितनी हमने अभी तक पढ़ी है जितनी हमने जेएस अभी तक सीखी है जावा नहीं बात कर सकती है सर्वर से अभी तक हमने देखा जावा स्ट्रिप्ट हमारे पेज पे ही काम करती रहती है डॉम एक्सेस कर लिया ब्राउजर एक्सेस कर लिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया ये सब तो लोकल है ना ये सब तो क्लाइंट कंप्यूटर का डेटा है ना वेरी गुड अगर सर्वर से डेटा बुलाना है तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें एंकर टैग या एक्सट्रमल फॉर्म की मदद लेनी पड़ती है अब जब एक्सट्रमल फॉर्म का आप यूज करते हैं और यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है क्या ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क अगर स्लो हो तो डेटा को आने में टाइम लगे पॉसिबिलिटी है नेटवर्क अगर स्लो हो तो डेटा को आने में टाइम लगे और अगर ऐसा हो गया तो आपका पूरा का पूरा वेब पेज हैंग हो जाएगा पूरा का पूरा वेब पेज हैंग हो जाएगा राइट right, आपने कई बार देखा होगा जब इंटरनेट स्लो होता है तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो ऑपरेट करने में बहुत समय लेती हैं कुछ ऑब्जर्व करा आपने इस बात को <laughs> वेबसाइट बहुत टाइम लेती है ओपन होने में वो इसलिए होता है क्योंकि वो वेबसाइट सर्वर से डेटा पुल करने के लिए प्योर एक्सटेमल की मदद ले रही है ठीक है दूसरा ये भी ऑब्जर्व करा गया है ये भी ऑब्जर्व करा गया है कि कई वेबसाइट्स में काफी सारा डेटा जो सर्वर से पुल हो रहा है वो बहुत थोड़ा सा होता है और बाकी का जो डेटा होता है वो पुराने और नए पेज पे बिल्कुल सेम होता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं मैं कुछ ऐसा आपको समझाना चाह रहा हूं इमेजिन करिए आप किसी वेबसाइट पे हैं जिस वेबसाइट में ट्यूटोरियल्स किसी चीज के डिस्प्ले हो रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल डिस्प्ले हो रहा है अब आप मुझे बताइए इस वेबसाइट का अपना कोई हेडर होगा हां जी इस वेबसाइट का अपना हेडर होगा जिसको आप मेन्यू बार बोलते हैं इस वेबसाइट का अपना कुछ फुटर होगा जिसमें वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल अबाउटस वगैरह वगैरह ये सब चीजें होंगी और जो ट्यूटोरियल होगा अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो वो कुछ ऐसे दिखेगा इस पार्ट में होगा वेरी गुड अब आप मुझे बताइए जब यूजर नेक्स्ट ट्यूटोरियल ओपन करेगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल ओपन करेगा तो क्या चेंज होगा हेडर फुटर या ये मेन पार्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल ओपन होगा तो क्या बदलेगा जवाब सिर्फ मेन पार्ट बदलेगा जो हेडर है वो सेम रहेगा हाँ जो फुटर है वो भी सेम रहेगा हाँ लेकिन अगर आप एजेक्स नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी पता है आपकी एप्लीकेशन फुल पेज रिफ्रेश करेगी क्या करेगी आपकी एप्लीकेशन फुल पेज रिफ्रेश करेगी फुल पेज रिफ्रेश का मतलब जो डेटा उसके पास ऑलरेडी है वो भी कहां से पुल करेगी जो डेटा उसके पास ऑलरेडी है वो भी पुल करेगी सर्वर से अगर वो डेटा भी सर्वर से पुल होगा तो कम्युनिकेशन में डिले होगा होगा मैं इसका आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूँ मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूं देखिए आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों ने डब्ल्यू थ्री स्कूल पे कभी ना कभी विजिट करा होगा कराए ना डब्ल्यू थ्री स्कूल देखते हैं जिसपे आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी आप उस उसपे कर पाते हैं राइट right. तो मैं डब्ल्यू थ्री स्कूल का पेज ओपन करता करब्लू थ्री स्कूल्स का होम पेज है ठीक है इमेजिन करिए मैं ट्यूटोरियल सेक्शन पे जाता हूँ राइट right. मैंने कोई ट्यूटोरियल सेक्शन ओपन करा से फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू एक्सट्रीमे ट्यूटोरियल अब नोटिस करिए जो ऊपर आपको दिख रहा है W3 में प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये है? हाँ, ये मेन्यू मेन्यू बार बार है है right? राइट बिल्कुल नीचे अगर अपन चलें इस वेबसाइट पे तो वेबसाइट का फुटर है बिल्कुल नीचे इसका फुटर मिलेगा अपन को हाँ बिल्कुल नीचे अपन को इस वेबसाइट का फुटर मिलेगा देखिएगा ध्यान से फुटर कैसा दिख रहा है देखना ना टॉप ट्यूटोरियल टॉप रेफरेंसेज टॉप एग्जाम्पल देख लिया वेरी गुड और इसका मेन्यू बार भी आपने देख लिया इस समय हम किसका ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं इस समय हम ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं का फाइन अब मैं HTML की जगह ओपन करता हूं पी या जावा का ट्यूटोरियल नोटिस करिएगा क्या मेन्यू बार बदला नहीं बदला ना क्या फुटर बदला नहीं बदला ना लेकिन W3 स्कूल्स ने ये मेन्यू बार ये फुटर सब पुल कराए दोबारा कहां से सब पुल कराए दोबारा सर्वर से अभी नेटवर्क बहुत फास्ट है इसलिए मुझे उतना डिले नोटिस में नहीं आ रहा है लेकिन सोचिए अगर नेटवर्क स्लो होगा तो जितनी बार मैं किसी ट्यूटोरियल पे जाऊंगा एसक्यूएल पे गया जावा पे गया उतनी बार मुझे लैग नजर आएगा डेटा पुल होने में आप समझ रहे हैं वट एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन जो चेंज हो रहा है अगर आप समझें जो इस पूरे वेब पेज में बदल रहा है अगर मैं हाईलाइट करूं तो वो ये वाला पार्ट है एम आई राइट जावा की जगह अगर मैं एसक्यूएल को खोल रहा हूं तो ये पार्ट चेंज हो रहा है देखिएगा चेंज हो रहा है ना कंटेंट या एसक्यूएल के टाइटल आ रहे हैं या एसक्यूएल का रिलेटेड डेटा आ रहा है या पीएचपी से रिलेटेड आ रहा है लेकिन हेडर हुआ फुटर हुआ साइड बार हुआ आर एंड दे सेम है ना ये सेम पूरे पूरे सेम है लेकिन फिर भी पूरा नेटवर्क ट्रैफिक लग रहा है और इस बात का पता आपको एक और चीज से लगेगा जब जब मैं किसी लिंक पे क्लिक कर रहा हूं आप इस जगह पे ऑब्जर्व कीजिएगा किधर ऑब्जर्व कीजिएगा इस जगह पे ऑब्जर्व कीजिएगा आपको एक पूरा सर्कल घूमता हुआ नजर आएगा इस जगह पर यहां पे नजर रखिएगा ठीक है देखिए अब मैं कहीं भी क्लिक करता हूं तो वहां पर आपको कुछ सर्कल घूमता हुआ दिखेगा लेट से आई क्लिक ऑन बुट देखा आपको एक सर्कल घूमता हुआ डिड यू नोटिस दैट आई क्लिकड ऑन सी दिस इज कॉल्ड कंप्लीट करिए मेरी लाइन दिस इज कॉल्ड फुल पेज रिफ्रेश दिस इज कॉल्ड फुल पेज रिफ्रेश समझ आ रहा है और इसमें जावा श्रिप का कोई रोल नहीं है इसमें जेएस कुछ नहीं कर रही है अब फुल पेज रिफ्रेश तब सेंसिबल है ना जब डेटा फुल डिफरेंट हो अगर मैक्सिमम डेटा आपका प्रीवियस पेज जैसा है तो क्या यह समझदारी नहीं है कि उतना ही डेटा पुल करा जाए जितना बदल रहा है एंड दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट इज टॉट बाय एजेक्स यही आपको एजेक्स सिखाता है कि जब आपका थोड़ा सा डेटा चेंज हो रहा है टू गो फॉर फुल पेज रिफ्रेश और नेटवर्क भी आपका यूज होगा बैंडविज भी आपकी यूज होगी डेटा भी खूब सारा ट्रेवल होगा जबकि मैक्सिमम डेटा तो सेम है है ना अब मैं आपको दिखाता हूं वो एप्लीकेशन जो एजेक्स का भरपूर यूज करती है स्विगी करा होगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑर्डर करा होगा लेट्स ओपन स्विगी स्विगी इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन जो सिंगल पेज एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन है हालांकि ये किस में बनी है ये बनी है रियक्ट में किसमें बनी है वेब वेब एप्लीकेशन एप्लीकेशन दिस इज क्रिएटेड क्रिएटेड इन ये React के अंदर है बट रियक्ट जैसा मैंने कहा एजेक्स का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है आप आगे देखेंगे जो आप एजेक्स में करेंगे बाय हैंड उसी को रिएक्ट बहुत सिंप्लीफाई कर देती है फाइन अभी आप नोटिस करिए यहां पर आपको डब्ल्यू थ्री स्कूल की तरह सर्कल घूमता हुआ कभी नहीं दिखेगा से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक करा एक्सप्लोर योर फेवरेट स्ट्रीट फूड देखा आपने वहां कोई सर्कल नहीं घूमा लेकिन पेज चेंज हो गया और कितना फास्ट हुआ आपने नोटिस करा कितना फास्ट हुआ ठीक है फिर मैंने क्लिक करा साउथ तक पे राइट कोई रेस्टोरेंट जिस रेस्टोरेंट की डिटेल्स आएंगी जैसे ही मैंने क्लिक करा कोई पेज रिफ्रेश फुल पेज नहीं हुआ सिर्फ उतना डेटा फुल करा गया जितना मेरे पेज पे दिखाने के लिए जरूरी है तो मतलब यहां कितने एक्सटर्मल पेज बने होंगे यहां एक एक्सटर्मल पेज बना है उसी में डेटा बार बार पुल करके करा जा रहा होगा चेंज आर यू एबल टू गेट दिस समझ पा रहे हैं आप मेरी ये ये बात आपको एजेक्स से मिलता है राइट right? तो एक लाइन में अगर हम बोले तो क्या मैं बोल सकता हूं एजेक्स हमें पार्शियल पेज रिफ्रेश करने देता है यस yes. अब आप कभी जीमेल खोलिएगा जीमेल में भी यही कॉन्सेप्ट है हालांकि मैं बता दू जी मेल स्विगी ये सब किस पे बनी है ये सब के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज को यूज करके बनी है जी मेल में एंगुलर यूज हुआ है स्विगी के अंदर रियक्ट यूज हुआ है राइट लेकिन इसका जो बेस है वो एजेक्स से ही तैयार होता है अगर आपको एजेक्स नहीं समझ में आएगा तो आप रियक्ट समझते पे में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे कि काम कैसे कर रही है बैकग्राउंड में क्लियर इसके यूआरएल में कोई एक्सटेंशन क्यों नहीं हुई क्योंकि मैपिंग करी हुई है वो राउटिंग से हैंडल हुआ है ओके अफजल वो राउटिंग यही तो समझना समझदारी समझने वाली बात है कि आपका एक ही पेज है उसी पेज में डेटा बार बार चेंज हो रहा है इसलिए तो आपको यूर भी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा <laughs> कब पढ़ेंगे रियाक्ट में पढ़ेंगे ना ये पूरी एप्लीकेशन बना रहा रियाक्ट में पढ़ेंगे लेकिन इसका जो बेसिक है जो जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल है वो हम तो अभी पढ़ने लग जाएंगे जब हम एजेस का पहला कोड लिखेंगे गॉट इट आई बात समझ वेरी गुड कैन यू सी दीज चेंजेस बिल्कुल बिल्कुल आप बैकग्राउंड में जाकर नेटवर्क में जाकर देख सकते हैं सूर्यांश, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम ट्रैफिक मॉनिटर करना सीखेंगे ना कितना ट्रैफिक ट्रांसफर हो रहा है एजेक्स में तब हम इसको सीखेंगे नेटवर्क टैब में दो दिन रुक जाइए दो दिन बाद हम नेटवर्क टैब को एक्सप्लोर करना सीखेंगे चलू आगे यहाँ तक समझ आया सबको राइट तो अब आपको समझ आ गया होगा एजेक्स की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है क्यों जरूरत है एजेक्स की एजेक्स की जरूरत है पार्शियल पेज रिफ्रेश करने में यानी ऐसी एप्लीकेशन आप बनाए जिन एप्लीकेशन के अंदर आपका थोड़ा सा डेटा बस चेंज हो रहा है तो आप वो डेटा फॉर्म टैग के थ्रू सेंड या पुल ना करें आप वो डेटा की सेंडिंग या पुलिंग कर लेंगे विद हेल्प ऑफ विद्पऑफ और ये करने के लिए आप यूज करेंगे यहां यहां तक तक क्लियर हुई बात तक समझ आया वेरी well, गुड cool. अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा डिटेल में मैं आपको और पिक्चर समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में ठीक है क्योंकि अगला वर्ड जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वो इसी पिक्चर में आपको समझ में आएगा इफ सम चेंजेस इन एंड फुटर स्ट्रक्चर हाउ दे विल बी अपडेटेड वो डेटा भी सेंड करा जाएगा संभव वो डेटा भी सर्वर से सेंड करा जाएगा और जावास्क्रिप्ट का कोड उसे अपडेट करेगा गॉट इट फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ट अगर शॉपिंग कार्ट की बात करें संभव तो जब मैं एड टू कार्ट करूंगा तो कार्ट में चेंज आएगा दो की जगह तीन आइटम तीन की जगह चार आइटम चेंज होगा वो हम लोकली अपने जेएस से कर लेंगे क्लियर तीन समझ आया वेरी गुड अब आगे की बात करते हैं अब आगे की बात यह है कि इमेजिन करिए आपका स्विगी का होम पेज है समझिएगा कैसे स्विगी कम्युनिकेट करता है अपने सर्वर कोड से यह आपका स्विगी का होम पेज है कहां रन हो रहा है यह पेज तो ये पेज रन हो रहा है ब्राउजर मशीन पे क्लाइंट मशीन पे ओके okay. स्विगी का पेज रन हो रहा है ऑन क्लाइंट मशीन एंड दिस इज नथिंग बट आर ब्राउजर फाइन अभी बताइए इस समय किस लोकेशन पे कौन सा रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहा है यह जानकारी ब्राउजर को है या ये जानकारी स्विगी के डेटाबेस को है ऑब्वियसली बात है ये जानकारी स्विगी के डेटा बेस को है ब्राउजर को क्या पता कौन से लोकेशन पे कौन सा रेस्टोरेंट काम कर रहा है राइट ये स्विगी का सर्वर कोड है ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस ये स्विगी का सर्वर साइड कोड है राइट सर्वर साइड कोड में एक डेटाबेस काम कर रहा है आई होप डेटाबेस का बेसिक मतलब जानते होंगे डेटाबेस मतलब समथिंग वेयर डेटा कैन परसेस जहां डेटा को परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं आगे हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे सो डोंट वरी के साथ डेटाबेस आना चाहिए नहीं डेटाबेस के आने की कोई जरूरत नहीं है वो हम पढ़ेंगे बट आई होप आपने सुना होगा डेटा के बारे में डेटा बेसिस स्टोरेज ऑफ डेटा राइट वो नो एक्ल डेटा बेस हो एक्सक्ल डेटा बेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस डेटा स्टोर नहीं डेटाबेस बिजनेस लॉजिक नहीं देता है सूर्यांश कुछ गड़बड़ हो रही है डेटाबेस डेटा स्टोर करता है बिजनेस लॉजिक तो सर्वर के कोड में लिखा जाएगा यस और नो बिजनेस लॉजिक तो सर्वर के कोड में लिखेंगे ना राइट वेरी गुड तो यूजर डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं उसने कूपन कोड सही डाला है कि नहीं उसको दो फ्री डिलीवरी अलाउड थी ये तीसरी फ्री डिलीवरी तो नहीं हो रही है ये डेटाबेस चेक नहीं करेगा ये चेक करेगा प्रोग्रामर का लॉजिक राइट right? और ये लॉजिक लिखा जाएगा सर्वर साइड के कोड में करेक्ट वेरी गुड अब ये हमारा सर्वर साइड का कोड है ठीक है जो डेटाबेस से इंट्रैक्ट करने का काम कर रहा है अब आप मुझे बताइए अगर स्विगी के होम पेज को या स्विगी के क्लाइंट पेज को किसी प्रोडक्ट की प्राइस दिखानी है तो प्रोडक्ट की प्राइस तो यहां रखी हुई है ना डेटाबेस में राइट राइट right? right. क्या यह संभव है कि क्लाइंट पेज सीधे इस डेटाबेस से बात कर ले इतनी पावरफुल है क्लाइंट साइट की जावास्क्रिप्ट या क्लाइंट साइट की एच या क्लाइंट साइट की सीएसएस नहीं है नहीं है ये डेटाबेस से बात नहीं कर सकते अच्छा सर्वर का कोड डेटाबेस से बात कर सकता है हाँ सर्वर का कोड डेटाबेस से बात कर सकता है क्योंकि डेटाबेस भी सर्वर में ही है वेरी गुड बहुत बढ़िया अब ये जो क्लाइंट वाला कोड है क्या ये पॉसिबल है कि क्लाइंट वाला कोड सर्वर वाले कोड से कम्युनिकेट कर ले पॉसिबल हाँ, है क्लाइंट वाला कोड कोड सर्वर वाले से कम्युनिकेट कर ले विद विदी हेल्प ऑफ इंटरनेट इनके बीच में नेटवर्क होगा राइट दिस इज अ नेटवर्क जिसको आप इंटरनेट बुलाते हो तो जो सर क्लाइंट वाला कोड है वो सर्वर वाले कोड से अगर कम्युनिकेट करेगा तो ये करने के लिए वो यूज कर रहा होगा एजेक्स इतना क्लियर हुआ हमें फुल पेज रिफ्रेश नहीं करना है अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बुलानी है किसी प्रोडक्ट की प्राइस बुलवानी है सर्वर से तो ये तो सेंस नहीं बनता ना कि मैं पूरा पेज रिफ्रेश करूं करेक्ट खाली प्राइस ही बुलवानी है ना तो वो तो एजेक्स से आ जाएगी ना वेरी गुड अब इंपॉर्टेंट बात जब हम एजेक्स रिक्वेस्ट फायर करेंगे तो सर्वर पे कोई कोड होगा जो इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और हमें रिस्पॉन्स देगा होगा ना इसी कोड को आप दो दिन के अंदर अंदर पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं एपीआई यही कोड आपका एपीआई है एपीआई वर्ड सुना होगा आपने बहुत बार बड़े कंफ्यूज होते हैं बिगनर्स क्या होता है एपीआई कुछ नहीं एपीआई बैकएंड पे लिखे गए वो कोड्स होते हैं जो बैकएंड का डेटा और फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं बैक का डेटा फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये जो एपीआई कोड है ये डेटाबेस से बात कर लेगा डेटा पुल कर लेगा कर लेगा ये डेटा पुल कर लेगा और ये डेटा ये रिटर्न कर देगा रिस्पांस के तौर पे किसको ये डेटा ये रिटर्न कर देगा रिस्पांस के तौर पे क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट को और क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट इसको वेब पेज पे दिखा देगी हां दिखा देगी क्या यूज करके डोम यूज करके क्लाइंट साइट पे रन होने वाली जावा वेब पेज के कॉम्पोन एक्सेस कर सकती है पैराग्राफ एक्सेस एक्सेस करना है करनी है टेबल करनी कुछ करना है इमेज वगैरह में कुछ चेंज करना है वो कर लेगी विद हेल्प ऑफ ये क्लियर हुआ वेरी गुड मतलब एजेक्स से रिक्वेस्ट जाती है और एपीआई से रिस्पॉन्स आता है बहुत सिंपल भाषा में बोल दू एजेक्स से रिक्वेस्ट जा रही है और एपीआई आपको रेस्पॉन्स दे रही है समथिंग लाइक दैट ठीक है अब ये जो रिस्पॉन्स है इसमें डेटा होगा क्या इस रेस्पॉन्स में डेटा होगा होगा राइट आज से पंद्रह बीस साल पहले बीस तो मैंने ज्यादा बोल दिया आज से पंद्रह साल पहले ये जो रेस्पॉन्स का डेटा था ये एक्सएमएल स्टाइल में होता था किस स्टाइल में होता था रेस्पॉन्स का डेटा एक्सएमएल स्टाइल में होता था आज एक्सएमएल आउटडेटेड हो गई और आज एक्सएमएल की जगह किसने ले ली आज एक्सएमएल की जगह ले ली जेसन ने आज जो डेटा रिस्पॉन्स के तौर पर एपीआई रिटर्न करती है That is nothing बट इट इज जेसन फॉर्म ऑफ द डेटा कुछ कुछ आया समझ कुछ कुछ आया समझ राइट right? तो जेसन क्या है JSON, का फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट में क्लाइंट भी सर्वर को डेटा भेज सकता है और सर्वर भी क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे सकता है फिर इस डेटा को इस जेसन डेटा को डेकोरेट करना सुंदर बनाना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाना यह किसका काम है ये काम जावास्क्रिप्ट का है जो जावा क्लाइंट एंड बात समझ राइट हालांकि ये डेटा नहीं है कि सर्वर आपको, दे, आपको, आपको एक्सटर्मल स्टाइल में भी डेटा देगा लेकिन जो इन सब में सबसे पॉपुलर स्टाइल है डेटा कम्युनिकेट करने का वो सबसे पॉपुलर स्टाइल है जेसन स्टाइल तो क्या मैं बोल सकता हूं आज के डेट में ये बताइए अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ये ए जे ए एक्स नहीं रह गया अब ये ए जे ए जे हो गया कैन आई से दैट ए फॉर जे ए फॉर एसन एंड नॉर जावाट लास्ट जे स्टैंड फॉर लास्ट जे विल स्टैंड फॉर जेसन आज की डेट में ये ए जे ए जे हो गया आप ये मान लीजिए एक्सएमएल अब ज्यादा बचा नहीं लोग एक्सएमएल फॉर्मेट को कम यूज करते हैं जेसन फॉर्मेट को ज्यादा यूज करते हैं खासतौर पर जावा स्क्रिप्ट डेवलपर तो इसको बहुत प्रेफर करते हैं बाकी लैंग्वेजेस में भी ये बहुत पॉपुलर है जावा में कुछ ज्यादा ही है क्योंकि जेसन के फुल फॉर्म में ही जावा स्क्रिप्ट वर्ड आ रहा है तो समझ आ रहा होगा कुछ कुछ तो इसका जावा से रिलेशन होगा राइट ऑब्जेक्ट नोटेशन द जावास देशन स्टैंड ऑब्जेक्ट नोटेशन अभी टेंशन मत लीजिएगा सर इसके फुल फॉर्म का क्या मतलब है अपन पढ़ेंगे बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जावा इतना तो समझ आ रहा होगा राइट वेरी गुड अब ऐसी इमेजिन करिए ऐसे इमेजिन करिए मैं बना रहा हूं मेक माई ट्रिप डॉट कॉम बना सकते हैं मेक माय ट्रिप का फ्रंट पेज बना सकते हैं क्या मेक माय ट्रिप को ये पता है मेक माय ट्रिप को ये पता है कि कल भोपाल से दिल्ली में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं भोपाल एक्सप्रेस में मेक माय ट्रिप को ये पता है नहीं पता है आईआरसीटीसी के सर्वर को पता है कल कल की डेट में भोपाल टू दिल्ली अगर किसी को जाना है तो भोपाल एक्सप्रेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं पता है ना वेरी गुड क्या मेक माई ट्रिप का फ्रंट एंड कोड आई आर सी टी सी से यह डेटा पुल कर सकता है हाँ कर सकता है अगर आई आर सी टी सी ने क्या बना रखी हो अगर आई आर सी टी सी ने बना रखी हो अपनी एपीआई राइट और ये एपीआई आई आर सी टी सी की है मेक माई ट्रिप इसको एक्सेस कर रहा है तो ऐसी एपीआई इसको याद रखिएगा अपन बोलते हैं पब्लिक एपीआई या हम इसे ओपन एपीआई का नाम भी देते हैं ऑल्सो आर कॉल ओपन एपीआई तो कुछ प्राइवेट एपीआई भी होती होगी क्या हाँ private भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे मुझे कोई वेदर एप्लीकेशन बनानी ठीक है ठीके? और मुझे प्रिडिक्ट करना है अगले पांच दिनों तक डेली का वेदर कैसा रहेगा मेरी एप्लीकेशन को नहीं मालूम है अगले पांच दिनों तक डेली का वेदर कैसा रहेगा लेकिन क्या कोई दुनिया में ऐसी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट होगी या सर्वर का कोड होगा जिसको यह पता होगा कि अगले पांच दिनों तक डेली का वेदर कैसा है हाँ, है 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 उसमें से एक है जिसका नाम ओपन वेदर मैप क्या नाम है? वेदर मैप. कौन है, ये? ये भी एक है जिसके पास कौन सा डेटा अवेलेबल है जिसके पास वेदर डेटा अवेलेबल है अगर आपको इससे कम्युनिकेट करना है अगेन आप अपनी एपीआई कॉल देंगे वो एपीआई आपके लिए रिस्पॉन्स के तौर पर रिटर्न करेगी वेदर की डिटेल्स ये भी समझ आया वेरी गुड ऐसे ही 2023 में, 2023 में इंडिया में कब कब छुट्टी पड़ रही है इंडिया में कब कब छुट्टी पड़ रही है Do we know that? नहीं, हमें नहीं पता बट देर इज एन एपीआई इन द वर्ल्ड जिसको ये पता है उसका नाम है हॉलीडे एपीआई क्या नाम है उसका उसका नाम है हॉलीडे एपीआई अगर आप हॉलीडे एपीआई से कम्युनिकेट कर लें राइट right, तो आप

वो डेटा एक्सेस करेंगे जो आ रहा होगा सर्वर से और सर्वर से डेटा पुल करना विदाउट फॉर्म टैग विदाउट एनी एंकर ये हमारे लिए कौन करेगा एजेक्स और एजेक्स जिससे बात करेगा वो होगा सर्वर का एपीआई क्लियर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आस्किंग एपीआई का फुल फॉर्म क्या है एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई हम लेक्चर टू में डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैं सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको एपीआई का ये एपीआई की कंप्लीट नॉलेज नहीं है ये सिर्फ फुल फॉर्म है और एक आइडिया है कि एपीआई क्या होती है राइट right? सर्वर में जो कोड लिखा है उस पूरे कोड को एपीआई बोलते है? नहीं सर्वर का कोड अलग होगा एपीआई वो कोड है जिसको आप रिक्वेस्ट देंगे जिससे आप बात करेंगे ठीक है पार्शियल कोड कह सकते हैं आप हम अपनी एपीआई बना सकते हैं वेरी गुड क्वेश्चन अंकित बिल्कुल बना सकते हैं और अपनी एपीआई बनाना हम कब सीखेंगे हम अपनी एपीआई बनाना सीखेंगे जब हम बैक एंड कोड लिखना शुरू करेंगे बैक एंड कोड लिखना कब शुरू करेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस और जब हम पढ़ेंगे नोड जब ये दोनों पढ़ेंगे तब हम क्या डेवलप करना सीखेंगे तब हम अपनी एपीआई बनाना सीखेंगे करेक्ट तो एपीआई में भी दो चीजें होती हैं एपीआई कॉल करना और एपीआई बनाना जी एपीआई में भी दो चीजें हैं एपीआई कॉल करना और एपीआई बनाना अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी हम लोग एपीआई कॉल करना सीखेंगे बनाना नहीं सीख पाएंगे क्योंकि एपीआई डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ एपीआई डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ बैक एंड नॉट फ्रंट एंड फ्रंट एंड की एपीआई नहीं बनती फ्रंट एंड एपीआई को सिर्फ कॉल करता है क्लियर आइडिया लग गया एजेस की वर्किंग का बहुत बढ़िया शाबाश नाउ कमिंग बैक टू स्लाइड थोड़ा सा हमें स्लाइड में बात करनी है ताकि फिर अगली बार हम सीधे सीधे कोडिंग पे आ जाए अब बात आती है जावा स्ट्रिप्ट सर्वर से रिक्वेस्ट या सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगी कैसे रिक्वेस्ट भेजना है डेटा भेजना है वो सब करेगी कैसे तो क्या आप मानते हो जावा स्ट्रिप्ट इज अ लैंग्वेज विच हैज सो मेनी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट फटाफट बोलिए है ना सो मेनी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन जावा स्ट्रिप्ट कोई भी तीन ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो आप जावा स्ट्रिप्ट में यूज करते हैं कोई भी तीन ऑब्जेक्ट्स जिनका आपने जावा में भरपूर सही जवाब डेट ऑब्जेक्ट को खूब यूज करा है राइट जावा में एरे भी ऑब्जेक्ट होता है उसे भी हमने खूब यूज है मैथ भी ऑब्जेक्ट होता है उसे भी खूब यूज है इन्हीं ऑब्जेक्ट के बीच में एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने आज तक यूज नहीं करा लेकिन अब इसके बिना काम नहीं चलेगा और ये ऑब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एक्स एम एल एच टी टी पी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये है जिसको यूज करके आप अपने जेएस कोड से किस पे हिट करेंगे आपने जेएस कोड से किस पे हिट करेंगे सर्वर पे हिट करेंगे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और आज से मैं इसको शॉर्ट में बुलाऊंगा एक्सएचआर चलेगा मैं क्या पूरी दुनिया इसको एक्सएचआर ही बुलाती है

और उस मॉडर्न वर्जन का नाम है फेच ए क्या नाम है फेच ए ये मॉडर्न वर्जन का नाम है ये दोनों में कॉमन काम क्या है ये दोनों आपके लिए सर्वर से क्या करेंगे ये दोनों आपके लिए सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे क्लियर समझ आया राइट वेरी गुड तो पहले एजेक्स पढ़ेंगे हम एजेक्स में काम करेंगे फिर देखेंगे एजेक्स में प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम बस एक ही है एजेक्स का कोड बहुत लेंदी होता है एजेक्स का कोड बहुत लेंदी होता है उसे बहुत शॉर्ट कर देता है कौन उसे बहुत शॉर्ट कर देता है fetch API. इसलिए मोस्ट प्रिफर्ड वे ऑफ अप्लाइंग एजेक्स एजेक्स codes और एजेक्स एप्लीकेशन डिजाइनिंग समझ आया रेस्ट एपीआई क्या है बताऊंगा रेस्ट एपीआई क्या है रेस्ट एपीआई भी एपीआई का एक स्टाइल है. हम्म बस बेस तैयार हो रहा है इसलिए पढ़ना जरूरी है 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 ना ये वही बात जब तक आपने अंधेरा नहीं देखा हो तब तक आप उजाले को अप्रिशिएट कैसे करेंगे तो जब तक आपने एजेक्स में ये ऑब्जर्व ना कराओ कि कोड लेंदी कैसे हो जाता है तब तक आप कैसे अप्रीशियेट करेंगे कि एपीआई कोड छोटा कर देती है ये वही बात है जो इफेल्स और टर्नरी ऑपरेटर के बीच में इफेल्स का कोड लेंदी है टर्नरी उसको एक लाइन में कर देता है ऐसा ही कुछ यहाँ पे है क्लियर चलू आगे वेरी गुड बहुत बढ़िया तो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये डायग्राम वैसे तो मैं डायग्राम आपको स्विगी के एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ बट एक बार फिर देखते हैं सबसे पहले एजेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है तो एजेक्स कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है किसी ना किसी इवेंट के साथ इवेंट मतलब इवेंट मतलब यूजर का बटन क्लिक करना यूजर का किसी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा फिल करना एंटर प्रेस करना दे ऑल आर इवेंट्स यस दे ऑल आर इवेंट और मजेदार बात ये मजेदार बात ये, ये कौन सा बटन नहीं है ये कौन सा बटन नहीं है ये सबमिट नहीं है ये जस्ट नॉर्मल बटन है हम तो यही जानते हैं ना सबमिट सर्वर से बात करता है हाँ लेकिन अब सबमिट के बिना भी सर्वर से बातचीत होगी सर्वर कम्युनिकेशन होगा और विदाउट सबमिट अगर सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है that communication? That communication good, एक से बात कर लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एजेक्स ठीक है तो अब कोई इवेंट फायर हुआ

जी सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स तैयार करेगा फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉर एग्जाम्पल किसी लोकेशन में अवेलेबल रेस्टोरेंट्स की लिस्ट जो भी है सर्वर वो तैयार करेगा और वो रिस्पॉन्स सर्वर रिटर्न करेगा किस फॉर्म में किस फॉर्म में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट केसेज में जेसन फॉर्म में पॉइंट वन परसेंट मान लेते हैं अदर फॉर्म होंगे बट नाइनटी नाइन परसेंट केसेज में दिस विल बी जेसन फॉर्म राइट और जैसे ही ये जेसन डेटा जावा के पास पहुंचेगा जावास स्क्रिप्ट से बहुत सुंदर तरीके से फॉर्मेट करेगी प्रेजेंटेबल करेगी और यूजर के सामने उसको शो कर देगी क्लियर? तो यूज़र को ऐसा लगेगा जैसे डेटा लोकली सब हुआ है। <coughs> उसको ऐसा लगेगा जैसे आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही डेटा था जबकि आपकी एप्लीकेशन ने यह डेटा पुल करा है ऑल द वे फ्रॉम द इंटरनेट क्लियर बेसिक आइडिया लगा समझ आया बहुत बढ़िया वेरी गुड ग्रेट नाइस ठीक है अब बात करते हैं एजेक्स प्रोग्रामिंग में हमें टोटल कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ती है क्या क्या स्टेप्स एजेक्स प्रोग्रामिंग में हमें लेने पड़ते हैं तो प्रोग्रामिंग ओवरऑल आपसे मांगती है चार स्टेप्स कितने स्टेप प्रोग्रामिंग ओवरऑल आपसे मांगती है चार स्टेप क्या है पहला स्टेप पहला स्टेप है एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए आप एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करें कौन सा ऑब्जेक्ट डेट मैथ विंडो नहीं एक्सएचआर एक्सएचआर ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप वेरी गुड ठीक है कैसे बनाते हैं जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को जावा में आप बनाते हैं न्यू की से तो एक बार फिर हम न्यू लिखेंगे पूरा हो गया जी हाँ ये स्टेप वन पूरा हो गया बन गया आपका ऑब्जेक्ट और सर्वर से बातचीत भी शुरू हो गई नहीं अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है अभी सर्वर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ यू जस्ट हैव सुनना फिर आपको एक हैंडलर बनाना पड़ता है अच्छा क्या होता है handler? तो ये बताइए सर्वर से रिस्पॉन्स तुरंत आएगा या रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा राइट अगर सर्वर से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा तो क्या आप वेट करना चाहेंगे रिस्पॉन्स का या आप चाहेंगे आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाए हम चाहेंगे हमारी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाए हम नहीं चाहेंगे वेट करना राइट right? क्यों क्योंकि क्यों हमें अपनी एप्लीकेशन को क्या नहीं करना है हमें अपनी एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं करना है नहीं करना है ब्लॉक हम चाहेंगे हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम करे बट जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तो उस डेटा को प्रोसेस करना होगा जो सर्वर डेटा भेजेगा उसको स्क्रीन पे दिखाना उसको प्रेजेंट टेबल बनाना टेबल पे इंसर्ट करना पैरा में इंसर्ट करना करना पड़ेगा कि नहीं हाँ करना पड़ेगा राइट ये काम करने के लिए अपन क्या बनाएंगे ये काम करने के लिए अपन बनाएंगे एक फंक्शन और ये फंक्शन कब रन होगा ये फंक्शन सर्वर से रिस्पॉन्स आने के बाद रन होगा इस फंक्शन को हम लोग बोलते थे बोलते थे कॉल बैक और अब, अब ये आज से क्या कहलाएगा अब ये आज से कहलाएगा हैंडलर अब ये आज से कहलाएगा हैंडलर

अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है जब आप हैंडलर बना रहे हैं तब रिस्पॉन्स आ गया है ना नहीं आया है जब हैंडलर बन रहा है तब नहीं आया है लेकिन जब ये रन होगा तब रिस्पॉन्स आ जाएगा हाँ जब ये रन होगा तब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये एसिंकुनस स्टाइल की कोडिंग हुई क्या कोड लिख पहले दिया है रन बाद में हो रहा है यस यही ये तो एसिंकुनस है ये तो आप सेट टाइम आउट के साथ करते हैं आप उसको कॉल बैक दे देते हैं रन वो तब करता है जब रिस्पॉन्स जब वो टाइम पीरियड आता है क्लियर क्लियर बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट थर्ड जब आपने सेंड होगी रिक्वेस्ट में कुछ डेटा वेटा जाएगा क्या चाहिए आपको किस चीज का रिस्पॉन्स चाहिए कुछ तो बताओगे फॉर एग्जाम्पल मुझे भोपाल का वेदर पता करना है तो मैं भोपाल का नाम तो भेजूंगा ओपन वेदर मैप को हाँ मुझे आई से, से पता करना है दिल्ली से बॉम्बे की कल की राजधानी एक्सप्रेस में कितनी में है तो शायद रिक्वेस्ट में डेटा नहीं होगा अगर जनरलाइज नहीं है स्पेसिफिक डिटेल आपको चाहिए तो आप उसमें डेटा पास करेंगे ये भी क्लियर हुआ है ना फॉर्म भी तो डेटा पास करता है फॉर्म भी तो डेटा पास करता है सर्वर को करता है ना जो टेक्स बॉक्सेस में यूजर ने फिल करा होता है या चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करे होते हैं वो डेटा ही तो है ऐसा कुछ डेटा आप भी पास करेंगे अगर एपीआई को या सर्वर को वो डेटा चाहिए आपको रिस्पॉन्स देने के लिए ये भी क्लियर हुआ वेरी गुड फाइनली जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आपका कोड उस डेटा को रिट्रीव करेगा और डेटा को क्या करेगा रिट्रीव करके फाइनली जब रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका कोड डेटा को रिट्रीव करेगा और क्या करेगा रिट्रीव करने के बाद सिंपल जवाब रिट्रीव करने के बाद डेटा को पेज पे शो कर देगा जेसन फॉर्म में तो डेटा आ गया जेसन फॉर्म में तो डेटा आ गया आपका कोड थोड़ी ना जेसन करेगा जेसन तो आ गया फिर आप जेसन को फॉर्मेट करेंगे और अपने पेज पे शो करेंगे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है ठीक है अब जेसन का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं जेसन नाम लग रहा है बहुत पसंद आया आप लोगों को तो देखिए जेसन डेटा कैसा दिखता है अगर जेसन डेटा आपने यूजर को दिखा दिया भाग जाएगा राइट एपीआई डॉट गेटअप डॉट कॉम स्लैश देखिए, ये है जेसन डेटा कुछ डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पेज पे देखिए फुल पेज रिफ्रेश हो रहा है कितना टाइम लग रहा है साइट हैंग हो गई डेटा विजिबल ही नहीं हो रहा है और देखिए ऊपर सर्कल घूम रहा है अब जब तक वो सर्कल पूरा ना घूम जाए तब तक आपको डेटा विजिबल ही नहीं होगा फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है कुछ नेटवर्क में ग्लिच बट अगर मैं इसको हाईलाइट करूं कुछ ऐसा ये है जेसन डेटा देखा आपको यह जेसन डेटा है इसमें डेट और टाइम है हाँ इसमें डेट और टाइम है अब आप मुझे बताइए अगर यूजर को आप ऐसे डेट और टाइम दिखाएंगे उसके समझ में आएगा आप बताइए आज बीस जनवरी है आज बीस जनवरी है राइट ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री इस समय जो टाइम हो रहा है वो कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा यहां पर शो करने की कोशिश हो रही है चेक करिए ठीक है ये जो टाइम जोन आप देख रहे हैं एग्जैक्टली इंडियन टाइम जोन नहीं है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट आप नोटिस करिए जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है जेसन स्टाइल में राइट right? समझ आया क्लियर हुआ तो कुछ इस तरीके का डेटा आप पुल करते हैं जब जेसन स्टाइल में आपको डेटा मिलता है सिर्फ एक दिक्कत आ रही है ये डेटा एज अ प्रोग्रामर आपको शायद फिर भी समझ में आए आपके एंड यूजर को ये जावास्क्रिप्ट पाइथन की डिक्शनरी नहीं है मृत्युंजय अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये कुछ कुछ जावा के ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है की वैल्यू पेयर देखो ध्यान से बस एक ही फर्क है जावा की जो कीज होती है उस पर डबल कोट होता है नहीं होता है जावा की कीज पे डबल कोट नहीं होता है जेसन में की भी स्ट्रिंग है हम्म जेसन में की भी स्ट्रिंग स्टाइल में अगर आप नोटिस करें तो दिख रहा है इसको हम लोग अगर जावा स्टाइल में कन्वर्ट कर लें तो क्या इसको हम प्रेजेंटेबल बना सकते हैं क्या इसको हम लोग प्रेजेंटेबल बना सकते हैं अगर इसको हम लोग जावा स्टाइल में कन्वर्ट कर लें कैन वी मेक दिस प्रेजेंटेबल राइट दिस इज हाउ जेसन लुक्स चलिए वापस चलते हैं ठीक है मूविंग बैक तो आएगा आपको यह दिख गया होगा जेसन डेटा कैसा नजर आता है हाउ जेसन डेटा लुक्स ठीक है तो ये थे हमारे एजेक्स प्रोग्रामिंग के चार स्टेप अब आगे बढ़ते हैं पहले स्टेप की कोडिंग करते हैं यूनिक्स यूनिक्स टाइम टाइम क्या है है के सर्वर से टाइम आ रहा है बेटा वो जो टाइम जनरेट हो रहा है ना वहां जो सर्वर है वो वो यूनिक्स यूनिक्स बेस्ड सर्वर है है इसलिए वो टाइम दिखा रहा है आप। आपको उसमें से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जो आप आगे पढ़ेंगे रेस्ट एपीआई अलग है फैच एपीआई अलग है फेच एपीआई एक टेक्निक है एजेक्स कम्युनिकेशन करने के लिए रेस्ट एपीआई एपीआई डिजाइनिंग का एक तरीका है क्लियर URL गलत दे रहा हूँगा मैं मैं कुछ यूजर नेम वगैरह गलत पास कर रहा हूँ इसलिए वो नहीं चला गेटअप वाला मैं बता दूंगा गेटअप भी चला के आपको दिखा दूंगा ठीक है चलो आगे आगे फिलहाल वेरी गुड अब अब आइए नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं स्टेप स्टेप नंबर नंबर कैसे होगा तो step number one होगा तो कुछ ऐसे सर कैन वन सर्वर कंटेन मेनी एपीआई यस बस उन सब का यूआरएल या एंड पॉइंट अलग अलग होगा एक एपीआई में भी हम कई तरीके का डेटा पुल कर सकते हैं आप देखो दो दिन कोडिंग करो समझ आएगा ठीक है ना

is इक्वल टू न्यू लेकिन ये नाम यही होगा यस yes, ये आपका नाम सेम होगा इसको आप नहीं बदल पाएंगे चले आगे क्लियर वेरी गुड ये आपका एक्सएमएल रिक्वेस्ट का बन के तैयार हो गया ऑब्जेक्ट अब आगे बढ़ते हैं अब मेरा नेक्स्ट स्टेप हैंडलर स्पेसिफाई करना जैसा मैंने आपसे कहा हैंडलर्स क्या है हैंडलर्स वो फंक्शन है जो तब रन होंगे जब सर्वर से क्या आ जाएगा जब सर्वर से आ जाएगा रिस्पॉन्स तो कैसे करते हैं अपन हैंडलर को स्पेसिफाई ठीक है पढ़िए ध्यान से सबसे पहले बताइए जो फर्स्ट लाइन है वो आपको समझ आ रही है हम श्योर नहीं हो सकते हैं आने में कितना समय लगेगा क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बात सही सही है है आपने अभी अभी देखा जब मैंने वर्ल्ड टाइम एपीआई को ओपन करा था उसके सर्वर ने बहुत समय लिया मुझे डेट टाइम बताने में तो हम नहीं श्योर हो सकते कि कितने टाइम में सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करेगा वेरी गुड तो फिर हम चाहेंगे हम एक पीस ऑफ कोड लिख के रख दे जो सर्वर से रिस्पॉन्स आने के बाद चले और सर्वर के डेटा को प्रोसेस करके पेज पे शो कर दे वो पीस ऑफ कोड नॉर्मल जेएस की वोकैबलरी में कहलाएगा कॉल बैक हमारी वोकैबलरी में आज से वो कहलाएगा हैंडलर या हैंडलर क्लियर है वेरी गुड कैसे रेस्पॉन्स हैंडलर को हम सेट करते हैं वो देखिएगा रेस्पॉन्स हैंडलर के क्या क्या काम है पहले ये पढ़ लेते हैं रेस्पॉन्स हैंडलर का पहला काम है सर्वर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करना कौन से फॉर्मेट में

आप हेल्प लोगे जेसन ऑब्जेक्ट की आपको याद है जावा के पास एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है याद है याद है ना उस ऑब्जेक्ट की आप हेल्प लेंगे और ये जो तीसरा वाला काम है ये कौन करेगा ये डॉम करेगा ये हम करेंगे हेल्प ऑफ डॉम क्लियर ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा डॉम आपको आता होगा एम आई राइट ये दोनों हम सीखेंगे डॉम का आपको बेसिक आइडिया होगा क्वेरी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाय आई डी सब याद है तो सब लगेंगे यहाँ पे क्लियर ठीक है अब एक्चुअल कोड देखते हैं हैं हैंडलर स्पेसिफाई कैसे करते हैं। तो हैंडलर स्पेसिफाई कैसे करते हैं इसका जवाब है जो आपका एक्सएचआर ऑब्जेक्ट है उसके पास एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी होती है हाँ जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी होती है तो इस एक्सएचआर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है पढ़िए तो क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का जल्दी जल्दी फटाफट टाइप करिए चैट विंडो में क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी का नाम है वेरी गुड ऑन रेडी स्टेट चेंज अब सबसे जरूरी बात जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं जावा स्ट्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना ना ये देखो ये गलती करी आयशा ने गलती करी जिस गलती की बात मैं कर रहा हूं क्या जावा सिर्फ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हाँ है राइट तो ये पूरा नाम गौर कीजिएगा लोअर केस में ही लिखा जाएगा राइट right? अगर आप लोग आयशा का रिस्पॉन्स पढ़ पा रहे हैं तो आपको नोटिस में आया उनसे क्या मिस्टेक हो गई ऑन का ओ कैपिटल कर दिया अगर ऑन का ओ कैपिटल हो गया तो जावास्क्रिप्ट इस प्रॉपर्टी को रिकनाइज नहीं कर पाएगी तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पूरी लोअर केस में है मतलब यहाँ कैमल नोटेशन नहीं लगा है नहीं यहाँ कैमल नोटेशन नहीं लगा है ये पूरा लोअर केस में है और इस प्रॉपर्टी को असाइन क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे फंक्शन का नाम यही कॉल बैक बन जाएगा हम्म यही एक तरह का बन जाएगा कॉल बैक ऐसा कोड पहले भी लिखा है अपन ने क्या किसी प्रॉपर्टी को किसी फंक्शन का नाम असाइन करो हाँ लिखा है जब हमने डॉम लेवल वन की इवेंट हैंडलिंग की थी जब हमने डॉम लेवल वन की इवेंट हैंडलिंग की थी हमने कुछ ऐसा लिखा था x डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू प्रोसेस अब ये प्रोसेस कौन है ये प्रोसेस हमारा फंक्शन है ये कब चलेगा ये तब चलेगा जब यूजर उस एलिमेंट पे क्लिक करेगा जिसको कौन रेफर कर रहा है जिसको रेफर कर रहा है एक्स राइट right. तो क्या मैं कह सकता हूं ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी है प्रोसेस एक फंक्शन है यस yes. बिल्कुल ऐसे ऑन रेडी स्टेट कौन है ऑन रेडी स्टेट एक प्रॉपर्टी है और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हैंडलर है ये आपका हैंडलर फंक्शन का नाम है और फिर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए इस हैंडलर की जगह एनोनिमस फंक्शन भी चलेगा चलेगा एनोनिमस चलेगा तो फिर भी भी चलेगा तो भी चलेगा बिल्कुल चलेगा यही लिख दो आप अपना कोड तो अगर हम जब इसका कॉल आएगा और इसका कॉल तब देगी जावास्पॉन्स आ जाएगा, जाएगा. हालांकि इस बारे में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है वो ट्विस्ट में क्लैरिफाई करूंगा अगले लेक्चर में एज ऑफ नाउ आप मान लीजिए तब चलेगा जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा ठीक है इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है क्या एक्टली exactly रेस्पॉन्स आने पर ही चलता है या उसके पहले भी चलता है तो वो भी हम पढ़ेंगे बट अभी के लिए बेसिक लेवल पे मान लीजिए ये फंक्शन तब रन होगा जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा और ये फंक्शन हम किसको असाइन करेंगे एजेक्स ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को जिसका नाम है ऑन रेडी स्टेट चेंज क्लियर वेरी गुड ये था आपका बेसिक पार्ट अब थर्ड और फोर्थ स्टेप अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें जरूरत पड़ेगी आपको कॉल बैक्स की कॉन्सेप्ट की तो याद से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि अगले लेक्चर में अपन उसको जब यूज करें तो थर्ड और फोर्थ स्टेप को आप अच्छे से समझ पाए क्लियर है ठीक है अब आप दो मिनट वेट कीजिए जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स हेलो हेलो चलिए जी सर आप बात कर ले, ले स्टूडेंट से हाँ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सबसे पहले आप लोग का बैच ये जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट होगा रिएक्ट के बाद होगा उसके बाद पूरा मान होगा ठीक और इसके अंदर आपको एजेक्स पढ़ाया जाएगा रिएक्ट पढ़ाया जाएगा और मान का पूरा चलेगा मतलब मोंगोडीबी और नोट जेस पूरा ठीक इसकी फीस आप लोग की डेज रहेंगे मंडे वेनजे फ्राइडे रात में आठ से ईयर सॉरी नौ से दस बजे तक नौ से दस सवा दस भी हो सकते हैं साढ़े दस भी हो सकते हैं मतलब टाइमिंग थोड़ा सा ये है कि टाइम थोड़ा सा लंबा रह सकता है मतलब नौ बजे से लेकर साढ़े दस तक मान लीजिए आप इसको ठीक कम ज्यादा कभी कभी हो सकता है वो वेरी कर सकता है ठीक लेकिन नौ से दस की टाइमिंग फिक्स है मंडे वेनसडे फ्राइडे रहेगा ये भी डेज भी फिक्स है आप लोगों के और लगता है तो फिर हमें लगता है तो एक दिन और बढ़ा सकते हैं कभी कभार उसमें जो भी होता है और आप लोग का बैच ये जो है ये और कोई क्वेरीज है कोई डाउट्स हैं तो आप लिख के पूछ लीजिए हाँ ये है ऑनलाइन एजेक्स होगा मान का बैच है उसके अंदर पूरा और इसकी फीस है एट थाउजेंड एट थाउजेंड फीसेस की और वन टाइम पेमेंट करते हैं वन टाइम पेमेंट करते हैं तो इसकी फीस होगी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओल्ड स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पे करना है जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं आप लोग को हाँ। कुछ नहीं देना है जिन्होंने आज से ज्वाइन करा ये बैच उनके लिए है ऐसा ही है ना सर हाँ जी ऐसी है नए स्टूडेंट्स के लिए है पुराने स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है जिन्हें पे कर दिया है कोई इश्यू नहीं है कुछ नहीं है उसके लिए ये सिर्फ जो नए स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है बाकी किसी के लिए नहीं है ये ठीक तो बाकी पुराने पे कर चुके हैं उनको कुछ नहीं है लिखे तो हुए किस बात हैं किस पेमेंट वगैरह लिंक वगैरह हाँ लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में आप गुरुक गुरुक का लिंक दे दीजिए ग्रुप का लिंक में टाइप करके भेज रहा हूँ आपको अभी आप लोग जिनने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लीजिए अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ हाँ, राइट इसको सभी लोग ज्वाइन कर लें जिन्होंने आज से बैच ज्वाइन कराया और ग्रुप में ही सारी डिटेल आएगी पूरी ग्रुप में ही आपका फीस का क्यूआर कोड आएगा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ होगा उसके ऊपर तभी आप पे करें

लेकिन इसके साथ हम लोग इसमें एजेक्स भी करा रहे हैं बट ये मानते हुए कि स्टूडेंट को HTML, CSS और JS आती है तो तो ये तीनों कैसे कवर होंगे मतलब अगर मैं करता हूं तो आप करमजी सर से बात कर लीजिए वो आपको बता देंगे तीनों आप कैसे कवर अप कर सकते हैं आपको वीडियोस मिल जाएंगे आप वीडियोस से कर सकते हैं सर एस सी लाइव पे ऐप पे डले हुए हैं हमारे एस सी ए लाइव एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे उसमें स्टोर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए एस सी ए लाइव ऐप उस पे आपको ये तीनों के लेक्चर्स मिल जाएंगे एचटीएमएल के भी सीएसएस के भी जावास्क्रिप्ट के भी और डेमो लेक्चर भी डाले हुए हैं सर मैं देख के देख सकता हूं सर मोबाइल नंबर दे दीजिए मैं दे दूं ताकि मोबाइल नंबर पे लोग कॉल कर पाए सर नीचे लिखा हुआ है स्लाइड्स पे ठीक है आपका दे दूं मैं नीचे लिखा है सर यहाँ पे ठीक है ठीक है एनीथिंग एल्स ओके एक और ये था कि अगर ओरेकल ओरेकल कहीं रहता है

डेटाबेस में अगर आप नोटिस करें तो बहुत पॉपुलर है लेकिन जितनी भी एप्प्केशन जरूरी नहीं है सब यूज़ करें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मोंगो डी भी जो no मंड okay, तो का एम है वो मोंगो ही है हालांकि yeah, yeah. इसमें हम एसक्यूएल भी पढ़ेंगे एसक्यूएल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा नो no एसक्यूएल में फर्क क्या है okay, thar, और कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन किसी का तो आप लोग प्लीज कॉल कर लें, ठीक है चलिए आदित्य आप कॉल कर लीजिए इन केस ऑफ एनी अदर डाउट्स, इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछें सर संडे को नहीं संडे क्लास नहीं है अब आपकी अगली क्लास कब है योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्वेंटी थर्ड जनवरी राइट ट्वेंटी थर्ड जनवरी टाइम सेम दैट इज नाइन पी आज थोड़ा सा डिले हो गया था रीजन कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे अब आई थिंक आप सब इज़िली ज्वाइन कर पा रहे होंगे ठीक है राइट right. चलिए तो मिलते हैं ट्वेंटी थर्ड जनवरी नाइन पी एम बाय टेक केयर